टीकमगढ़ में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित हो रहे अपराधों के विरुद्ध आज पुलिस लाइन टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज छतरपुर विवेक राज सिंह, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे व अन्य पुलिस अधिकारीगण, साथ ही जतारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरिशंकर खटीक उपस्थित रहे। सभी ने क्रमवार उपस्थित बालक बालिकाओं को संबोधित किया एवं अपराधों से बचने के लिए विभिन्न तरीके बताए, जिसमें गूगल वेबसाइट पर पॉस्को ई बॉक्स नाम की वेबसाइट के बारे में बताया। बढ़ती टेक्नोलॉजी से अपराधों को रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है, जिसके बारे में सभी को बताया। महिलाओं पर किसी भी प्रकार की हिंसा पर वन स्टॉप सेंटर सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो हर जिले में स्थित है। अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम में पधारे समस्त लोगों का आभार व्यक्त किया। MP7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से कलीम खान। सर, आज जो आयोजन किया गया इसको देश में, बेसिकली सम्मान अभियान में आज सभी जो जागरूकता लेके आने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यक्रम की शुभारंभ किया था 11 तारीख से, उसे तभी से लेकर कंटिन्यूसली जागरूकता के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज जिला स्तर पर एक समेकित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो आइकॉन्स थे उनको सम्मानित किया गया। जब प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उनके जो विनर्स थे उनको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विधिक जो जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जो महिला बच्चों को जो जागरूकता होनी चाहिए इस संबंध में उनको बताया गया है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि महिला अपने आप को न केवल सुरक्षित समझे अपितु उन्हें समानता का एक स्थान भी प्राप्त हो, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। राशि चौहानी जिन्होंने 11 जनवरी से और 26 जनवरी तक बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के रूप में एक कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले मुख्यालय प्रोग्राम क्षेत्र अंचल तक किया। पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जागरूकता के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आज बेटियों को निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य है कि बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। इस सराहनीय पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग भाग लें और ये सुरक्षा के रूप में गाँव गाँव माताओं बहनों को जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करें।